हमारे साथ तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद हनुमंत राव, ये बताइए जिस तरह से सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बीजेपी आपत्ति जता रही है, आप सही मान? देखो बीजेपी की आपत्ति नहीं, बीजेपी कुछ भी बोल सकता भैया, मैं बीजेपी की बात नहीं बोल रहा, सवाल यही है, ये आपको दिल्ली वालों को ज्यादा कम मालूम है, आंध्रा में तेलंगाना में क्या उन्होंने एक रूल लगाया, फीस रीएम्बर्समेंट 56 से पहले जो बच्चे पैदा हुए 56 वाले से बाद में जो है उनको फीस रीएम्बर्स, दैट मींस आंध्र वाले भी पढ़े उनको नहीं देता हूं, क्यों बोलते तेलंगाना वालों के साथ नाइंसाफी होता, जब यू आर उतना सीरियस है तो ये लेडी कभी तेलंगाना बोली नहीं और ऊपर से पाकिस्तान से शादी करी, हम आंध्र वालों को कंसिडर नहीं कर रहे, तुम दूसरा देश वालों को कैसा कंसिडर करते बोलने का मतलब है, यानी आओ हम पूछ रहे कि बराबर चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे, आप देना है तो माइनॉरिटी को दो, अरशद अयूब भी इंडिया को खेला उसको दो बोलो, हम मुसलमानों का खिलाफ नहीं हूं भैया, बराबर माइनॉरिटी देश में सेक्युलर है, बराबर अरशद अयूब को दे बोलो हमको बराबर हम मदद करेंगे, नहीं तो अजहरुद्दीन को दे बोलो, अन्ना इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाने जाने का कारण आप दूसरा बता जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनको नहीं बनाया जाना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर? माइनॉरिटी को बनाना है जो तेलंगाना के वास्ते बात करे या तेलंगाना में ये सब कुछ है, इनका आइडेंटिफाई पाकिस्तान से हो, आंध्र मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंध्र वाले बोल रहे हैं कि भाई हम कल तक हम थे आंध्र प्रदेश, परसों हम अलग हो गए, इतना जल्दी हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होता तो उन्होंने क्या बोल रहा है तेलंगाना बच्चों को अन्याय होता, जब यू आर वेरी सीरियस ऑन दिस थिंग इसके बारे में बनाओ, अजहरुद्दीन को बनाओ या अरशद अयूब को बनाओ बोलने का मेरा मतलब, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी माइनॉरिटी।